नासा का इनसाइट मिशन एक रोबोटिक लैंडर है जिसे मंगल ग्रह के डीप इंटीरियर या आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। इनसाइट का पूरा नाम इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडीसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट है। नासा ने 5 मई 2018 को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से इनसाइट मार्स मिशन को लॉन्च किया। लगभग 7 महीनों की लगातार यात्रा के दौरान इस यान ने 458 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय की और फाइनली 26 नवंबर 2018 को मंगल ग्रह की सतह पर सफलतम लैंडिंग की। भारतीय समयानुसार इस यान ने मंगलवार 27 नवंबर को सुबह 1:24 पर मंगल ग्रह की सतह पर लैंडिंग की। ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से संपन्न हुआ और इस मिशन में क्या क्या समस्याएं आई, आज हम जानेंगे इस खास एपिसोड में। स्वागत है आप सभी का रहस्य टीवी में और मैं हूं कुलदीप सिंह। अपनी 206 दिनों की यात्रा के दौरान ये यान 458 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर भारतीय समयानुसार मंगलवार 27 नवंबर को सुबह 1:10 पर मंगल ग्रह के नजदीक पहुंच गया। मंगल ग्रह के नजदीक पहुंचने के बाद इनसाइट लैंडर यान के क्रूज से अलग हो गया। सुबह 1:17 पर ये यान मंगल ग्रह के वातावरण में प्रवेश कर गया और 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मंगल ग्रह की सतह की ओर बढ़ने लगा। वायुमंडलीय घर्षण के कारण इस वक्त इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, लेकिन इसमें नीचे की तरफ लगी हुई हीट शील्ड की वजह से लैंडर सुरक्षित रहा। इतनी अधिक हीट होने की वजह से नासा के मिशन कंट्रोल से इसका रेडियो संपर्क टूटने का खतरा भी बरकरार था। सुबह 1:21 पर इनसाइट ने अपना पैराशूट ओपन किया। पैराशूट ओपन होने के बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होने लगी और कुछ समय बाद इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह गई। इस समय इनसाइट ने अपनी हीट शील्ड को भी अपने आप से अलग कर दिया। अब वक्त था सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया का। मंगलवार सुबह 1:23 पर इनसाइट को लैंड करवाने के लिए इसके फोल्डिंग लेग्स को ओपन किया गया। जैसे ही इनसाइट सरफेस के नजदीक पहुंचा तो पैराशूट इससे अलग हो गया। सुबह 1:24 पर इनसाइट ने अपने लैंडिंग इंजन की मदद से मंगल ग्रह की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया। इनसाइट को लैंड करवाने के लिए मंगल ग्रह पर इलिसियम प्लेनिसिया नामक एक जगह को चुना गया था, क्योंकि मंगल की यह सतह एकदम सपाट है, इसलिए यहां पर इनसाइट को लैंड करवाना और मंगल की सतह को ड्रिल करना बेहद आसान है। यान के क्रूज से अलग होने के बाद 14:32 के अंदर इनसाइट ने मार्स पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। मंगल पर लैंड करते ही इनसाइट ने अपने सोलर पैनल खोल लिए और अब ये सूर्य से मिलने वाली एनर्जी से अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है। 28 नवंबर 2018 तक इनसाइट ने मंगल ग्रह पर अपना एक दिन बिता लिया है। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर ये रोबोटिक लैंडर काम कैसे करेगा। इनसाइट एक 360 किलोग्राम का रोबोटिक लैंडर है जो अपने साथ 50 किलोग्राम के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर जा रहा है। इनसाइट 728 दिनों तक मंगल ग्रह की जानकारियां नासा को उपलब्ध करवाएगा। इनसाइट लैंडर 6 मीटर या 19.7 फीट चौड़ा है, जिसमें 2.2 मीटर व्यास के दो सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसके अलावा इसके साइंस डेक की लंबाई 1.56 मीटर है। इनसाइट लैंडर में एक 1.8 मीटर लंबा रोबोटिक आर्म लगा हुआ है जो इंस्ट्रूमेंट को डिप्लॉय करने में इसकी हेल्प करेगा। इनसाइट के साथ भेजे गए दो मुख्य पेलोड SEIS और HP-3 हैं। SEIS एक सिस्मोमीटर है जिसका पूरा नाम सिस्मिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर है। यही वो यंत्र है जिसके द्वारा हमें मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी। ये उपकरण मंगल ग्रह की सतह में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, उल्कापिंड या किसी भी अन्य कारण से पैदा हुई भूगर्भिक हलचलों का अध्ययन करेगा। इससे प्राप्त होने वाले डेटा की मदद से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया को आसानी से समझ पाएंगे। इसके अलावा ये उपकरण इस बात की भी जांच करेगा कि मंगल ग्रह का क्रस्ट और मेंटल मीटियोरॉइड इंपैक्ट या उल्कापिंड प्रभाव पर कैसे रेस्पोंड करता है। इस उपकरण का मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह के एटमॉस्फेरिक वेव्स को डिटेक्ट करके ये पता लगाना है कि आखिर 4.5 अरब साल पहले मंगल, पृथ्वी और चंद्रमा जैसे पथरीले ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और इनको एक परफेक्ट शेप किस तरह मिली। अगर ये मिशन सफलतापूर्वक अपना काम कर पाता है तो हमें इनर सोलर सिस्टम के निर्माण की महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। इसके अलावा ये सिस्मोमीटर मार्स के चंद्रमा फोबोस के कारण पैदा होने वाले ग्रेविमेट्रिक सिग्नल या टाइडल फोर्स को भी ऑब्जर्व करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण HP-3 या हीट फ्लो एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पैकेज है। HP-3 एक सेल्फ हैमरिंग टूल है जो मंगल ग्रह की सतह को ड्रिल करके 16 फीट नीचे तक अपने इक्विपमेंट पहुंचाएगा। ये उपकरण मार्स के कोर से आने वाली हीट को ऑब्जर्व करेंगे
इनमें हर 10 सेंटीमीटर पर सेंसर लगे हुए हैं जो तापमान और ऊष्मा को बेहतर तरीके से माप सकते हैं। इस तरह इनसाइट HP3 की मदद से मंगल ग्रह के कोर से आने वाली हीट को ऑब्जर्व करके मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना के बारे में सटीक जानकारियां भेज पाएगा। वैसे तो इनसाइट मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह के डीप इंटीरियर का अध्ययन कर 4.5 बिलियन साल पहले हुई निर्माण प्रक्रिया को समझना है, लेकिन इसमें लगे हुए उपकरण इतने सक्षम है कि अगर मंगल ग्रह की सतह के नीचे कहीं पानी मौजूद हुआ तो ये पानी की मौजूदगी के संकेत भी आसानी से समझ सकते हैं। हमारी धरती से मंगल ग्रह की न्यूनतम दूरी 54.6 मिलियन किलोमीटर है, वहीं अधिकतम दूरी 401 मिलियन किलोमीटर के आसपास पहुंच जाती है। ऐसे में मंगल ग्रह से पृथ्वी तक रेडियो सिग्नल पहुंचने में कई घंटों का समय लग जाता था। इस समयावधि को कम करने के लिए नासा ने इनसाइट के साथ ही 2 मार्स क्यूब 1 स्पेसक्राफ्ट भी भेजे हैं। ये स्पेसक्राफ्ट छोटे आकार के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो मंगल ग्रह की कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे और इनसाइट से प्राप्त होने वाले रेडियो संकेतों को पृथ्वी तक जल्दी भेज पाएंगे। इन मार्स क्यूब 1 स्पेसक्राफ्ट की वजह से अब इनसाइट से पृथ्वी तक रेडियो सिग्नल पहुंचने में करीब 8 मिनट का समय लग रहा है। मंगल पर लैंडिंग के बाद इनसाइट सबसे पहले अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जैसे सिस्मोमीटर और सेल्फ हैमर HP3 जैसे उपकरणों को डिप्लॉय और कमीशन करेगा। उसके बाद मार्स को ऑब्जर्व करने के अपने मिशन की शुरुआत करेगा। आपको बता दूं कि इनसाइट भी अपने साथ पार्कर सोलर प्रोब की तरह ही 2 राउंड में एकत्रित किए गए पृथ्वीवासियों के नाम अपने साथ मंगल ग्रह की सतह पर लेकर गया है। दरअसल इस मिशन को पहले मार्च 2016 में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन सिस्मोमीटर SEIS में वैक्यूम लीक होने की वजह से इसे 2018 तक डिले कर दिया गया। नासा ने नाम लेने के लिए फर्स्ट राउंड 2015 में शुरू किया था। उस समय नासा को 826,927 लोगों के नाम प्राप्त हुए। इसके बाद मिशन को 2 साल के लिए डिले कर दिया गया तो नासा ने 2017 में एक बार फिर से लोगों को अपना नाम रजिस्टर करवाने का मौका दिया। इस बार नासा को करीब 1.6 मिलियन नाम मिले। इन सभी नामों को नासा ने 2 चिप में इंसर्ट करके इनसाइट के साथ मंगल ग्रह की सतह पर भेज दिया और इस तरह इनसाइट अपने साथ 2.4 मिलियन लोगों के नाम लेकर मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला पहला लैंडर बन गया। अगर ये मिशन अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होता है तो ये मिशन विज्ञान जगत के लिए एक वरदान साबित होगा और वो दिन दूर नहीं जब आप भारत से अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी से मंगल ग्रह की टिकट बुक करवा सकेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार को शाम 6 बजे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।